जो हमारे पास सेकंड टाइप का क्लाउड है वो है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्लाउड, जो प्रोग्रामर यूज़ करते हैं, जो डेवलपर्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो हम इसके एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं पीएचपी का प्रोग्रामर हूँ, तो पीएचपी के प्रोग्रामर के लिए सपोज हमने कोई डायनेमिक एप्लीकेशन या वेबसाइट लॉन्च करनी है, तो उसके लिए हमें पता है कि क्या चाहिए। पीएचपी चलाने के लिए एक डाटाबेस भी चाहिए, जो प्रेफरली हम क्या यूज़ करते हैं, या तो MySQL या MariaDB। फिर पीएचपी को चलाने के लिए हमें एक वेब सर्वर भी चाहिए। ये पीएचपी बेस्ट जो वर्क करती है वो अपाचे वेब सर्वर के लिए पे ज़्यादा बेटर काम करती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, पीएचपी, MariaDB, ये अपाचे वेब सर्वर, ये सबसे बेस्ट जो हैं ये लाइनिक्स पे चलती हैं। हालांकि इनको हम विंडोज़ पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, मैक पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग एज ए पीएचपी प्रोग्रामर, अगर मेरे को प्रोग्राम लिखना है उससे पहले मेरे पास लाइनिक्स होनी चाहिए, फिर मैं उसके ऊपर अपाची इंस्टॉल करूँगा, उसको कॉन्फ़िगर करूँगा, फिर मैं उसके ऊपर डाटाबेस MariaDB इंस्टॉल करूँगा, उसको कॉन्फ़िगर करूँगा, फिर मैं पीएचपी इंस्टॉल करूँगा। तो पूरा स्टैक चाहिए, उसके बाद हम प्रोग्रामिंग वगैरह कर पाएंगे। अब हम चाहते हैं कि नहीं, हमें ये सारा कुछ प्री एज ए प्रोग्रामर, मैं जस्ट अपने प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ, कि मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जहाँ पे मैं, ऐसा क्लाउड होना चाहिए कि जस्ट वहाँ पे प्रोग्राम लिखूँ वो चलना शुरू हो जाए। मीन हमें क्या चाहिए, लाइनिक्स भी प्री इंस्टॉल होनी चाहिए, अपाचे भी, MySQL या MariaDB और PHP भी इंस्टॉल होनी चाहिए। हम जस्ट अपने कोड को लॉन्च करें वो चलने लग जाए या डिप्लॉय हो जाए। तो इस टाइप के जो हमें क्लाउड चाहिए, तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्लाउड होता है, जो पूरा आपको स्टैक प्रोवाइड करता है। इस केस में हम इसको लैम्प स्टैक बोल देते हैं। तो ये जरूरी नहीं है पीएचपी के लिए, आपकी एप्लीकेशन पाइथन में भी हो सकती है, नोड जेएस में भी हो सकती है, जावा में भी हो सकती है। तो जितने भी ये क्लाउड प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस हैं वो क्या करते हैं, आपको पूरा का पूरा स्टैक प्रोवाइड करते हैं। जबकि हम जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, वहाँ पे हमें सिंपल लाइनिक्स या विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, ये सारी चीज़ें बीच में नहीं होंगी। तो ये थोड़ा सा कन्वीनियंट रहता है प्लेटफॉर्म एज सर्विस जो डेवलपर हैं या प्रोग्रामर के लिए, कि आपको पास पूरा आपको स्टैक मिल रहा है। तो हमारे पास इसकी जो फेमस एग्जाम्पल्स हैं वो रेड हैट ओपन शिफ्ट है, जो कि है कि एंटरप्राइज रेडी है, तो ये जो एप्लीकेशन को लॉन्च करने के काम आता है। फिर हमारे पास जो है गूगल का एप्स इंजन है, तो यहाँ पे अगर उसके हम डेफिनेशन वगैरह देखें या उसकी एक व्यू देखें कि वो किसके काम आता है, तो ये क्या करता है कि जो हाईली स्केलेबल एप्लीकेशंस हैं वो बिल्ड करने के काम आता है। फिर हमारे पास AWS वालों का इलास्टिक बीन स्टॉक है, जो फिर क्या है कि एक ईजी टू यूज़ सर्विस है, वो किसके लिए, डिप्लॉइंग और स्केलिंग वेब एप्लीकेशन और सर्विस के लिए, वो आपकी जावा, .NET, PHP, Node.js, पाइथन और ये वाली सर्विस हो सकती है। तो इसमें क्या करना है, आपने सिंपली अपना कोड अपलोड करना है और ऑटोमेटिकली क्या करेगा, बीनस्टॉक क्या करता है, डिप्लॉयमेंट कैपेसिटी, लोड बैलेंसिंग, सब कुछ अपने आप करेगा। तो ये हम प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस जो क्लाउड है वो डिवेलपर्स या प्रोग्रामर्स के लिए सूटेबल है, तो इसको हम यूज़ करते हैं।